वेलकम एवरीवन, नाउ वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक। ठीक है, थियरी लेक्चर का लास्ट टॉपिक होने वाला है ये, एंड दैट इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके बारे में पढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल, एंड ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग यू सम टिप्स। कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो मेरा जो भी न्यूमेरिकल्स का लेक्चर रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी सेपरेट। ये पूरा का पूरा जो हमने लिया दैट वाज अबाउट थियरी लेक्चर्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ जो हमने पढ़ा अब तक दैट इज़ अबाउट थियरी लेक्चर। सिर्फ और सिर्फ जो हमको वर्ड्स में लिखने हैं ये, ठीक है, जो मैथ्स में कैलकुलेट करने हैं उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा लेक्चर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसके लिए एक एग्जांपल दिया है। जैसे आपके बुक में दिया है कि वैक्स का पूरा एक ऐसा लेयर रखा है, ठीक है, और उसमें क्या करके रखा पता है, उसके पहले तीन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, दैट वॉज आयरन लिया है, कॉपर लिया है एंड लेड। बराबर, ये तीनों को एक, मान लीजिए बड़ा सा कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, बड़ा सा कंटेनर लिया है, उसमें मैंने पानी भर दिया है, ठीक है, और इन तीनों बॉल्स को मैं क्या कर दिया हूँ, उसमें डाल दिया हूँ। गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोलना चाहता हूँ वापस से बता रहा हूँ कि एक कंटेनर लिया मैंने, तीनों उसमें पानी भरा, और ये तीनों जो ऑब्जेक्ट है आयरन कॉपर एंड लेड, इन तीनों को उसमें मैंने डाल दिया। बराबर, सो जब मैंने इन तीनों को उसमें डाल दिया और फिर मैं क्या कर रहा हूँ पता है, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ नीचे से। समझ गया, वो कंटेनर के नीचे से मैं उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। नाउ क्या होगा सर, जब आप बोल रहे हो ऐसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, सो व्हाट इज सो स्पेशल थिंग अबाउट दैट। बराबर, इसके बारे में एकदम स्पेशल चीज़ क्या है सर, आप ऐसे क्यों बताना चाहते हो हम लोग को। तो मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ ये सिनेरियो इसलिए बताया क्योंकि हमारे बुक में नहीं दिया है वो। मैंने ये बताया कि जो भी तीनों ऑब्जेक्ट हैं इनको इक्वल हीट दे रहा हूँ मैं, नहीं समझा, तीनों को क्या कर रहा हूँ, इक्वल हीट दे रहा हूँ। एक ही कंटेनर में रखा हूँ, एक ही तो स्टोव जला रहा हूँ ना नीचे से, समझ में आया, एक ही कंटेनर में रखा है और नीचे से मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल हीट देने की कोशिश कर रहा हूँ तीनों ऑब्जेक्ट को। तीनों ऑब्जेक्ट को इक्वल हीट दिया, मैंने पानी को मेजर किया तो पानी का जो टेम्परेचर था दैट वॉज अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस, मान लो, जस्ट टेलिंग यू कि 90 डिग्री सेल्सियस था उसका टेम्परेचर, तो जितने भी उसके अंदर रहेंगे सबका 90 डिग्री हो गया रहेगा, चलेगा, ठीक है, मैंने मान लिया। नाउ मैं थोड़ा और हीट किया, और हीट किया, और हीट किया, तो मुझे देखा कि वापस से अलग टेम्परेचर आया वाटर का, तो मुझे ये पता चल गया कि ये पूरा सिस्टम है इसका टेम्परेचर सेम है। बराबर, इसका टेम्परेचर तो सेम है, मतलब मैंने इक्वल हीट दिया है तीनों ऑब्जेक्ट को, इतना मुझे समझ गया। फिर मैंने क्या किया, एक को पकड़ा उठा के इधर डाल दिया, फिर दूसरे को पकड़ा इधर डाला, तीसरे को पकड़ा इधर डाला। बराबर, नाउ रिजल्ट देख रहे हो सर, जब आपने बोला कि इन तीनों को इक्वल हीट मिला है, बराबर, और इन तीनों का एक और चीज इक्वल है, इसका मास और इसका मास, तीनों का मास भी इक्वल है। समझ में आ रहा है, तो भैया हीट तो इक्वल दिया ही था लेकिन अभी उनका मास भी इक्वल है, बट फिर भी सर ये वैक्स में आयरन इतना अंदर कैसे चला गया, कॉपर उससे थोड़ा कम और लिड उससे थोड़ा कम, हाउ इज इट सो सर, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आपने इक्वल हीट दिया है, आप बोल रहे हो मास भी सबका सेम है, सो हाउ इज दिस पॉसिबल कि भाई ये कोई एक ज़्यादा अंदर चला जा रहा है, कोई एक कम, इसका मतलब क्या है पता है, कोई ज़्यादा अंदर चला गया इसका मतलब ये है कि इसने ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, इसने उससे थोड़ा कम और इसने उससे थोड़ा कम। बराबर, मतलब आयरन ने सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, क्यों एब्जॉर्ब किया, बिकॉज उसके पास जो हीट एनर्जी कैपेसिटी है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर एंड लेड। समझ में आया, सो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझा रहेगा कि ये क्या बताना चाहता है, कि सबका हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अलग है। समझ में आया, ये भाई साहब ने ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, इक्वली मिल रहा था तीनों को, लेकिन उसमें ज़्यादा किसने किया एब्जॉर्ब, आयन ने, उससे कम कॉपर, उससे कम लेड। सो सबका कैपेसिटी अलग अलग है, सबका जो भी बोल सकते हो कि झेलने की क्षमता हीट, बराबर, ऊर्जा झेलने की क्षमता, ऊर्जा झेलने की जो ये है क्षमता है, सबका अलग अलग है।
तो जब सबका अलग अलग है तो क्या होगा, कोई ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो ज़्यादा वैक्स को मेल्ट कराएगा, सही है, उससे कम एंड उससे कम। सो ये था, इसके बारे में हमको ये पता चल गया कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट अबाउट कॉपर आयन एंड लेड, इट इज़ ऑल अबाउट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है सबका हीट एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी जो होता है ये अलग अलग होता है, ठीक है। सो दैट इज़ नथिंग बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बराबर, इसी को बोलते हैं सर्टन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का प्रॉपर्टी, ठीक है। सो कम से कम इतना तो समझ गया रहेगा, ये जो भी एक्टिविटी है जो हमको दिया गया था बुक में, एटलीस्ट उससे तो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया रहेगा कि ये भाई साहब क्या है, किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, है कि नहीं। नाउ इसका जो डेफिनेशन है, लेट्स सी दैट डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius is called specific heat of that object. सही है, कितना हीट एनर्जी चाहिए, बराबर, कितना हीट एनर्जी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को सो दैट उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, बराबर। सर्टन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी तो लगेगा ही, है कि नहीं, सर्टन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगा किसी को भी उसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। तो एक डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट एनर्जी लगेगा, दैट इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट, समझ में आया। नाउ अब अभी पूछोगे कि सर एक डिग्री तो बढ़ाया है कि नहीं, एक डिग्री तो बढ़ाया चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर उसका मास ज़्यादा होगा, उसका मास ज़्यादा हो गया, सपोज आयरन है, ठीक है, इसका मास स्टार्टिंग में था 10 kgs, ठीक है, तो इसका एक डिग्री बढ़ाने के लिए 100 joules लगा, एग्जाम्पल, एक डिग्री बढ़ाने के लिए 100 calories लगा, चलो ठीक है, कैलरीज लिख लेता हूँ क्योंकि हम जो भी न्यूमेरिकल्स है उसमें सिर्फ कैलरीज यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो 10 kgs का आयरन है तो उसका एक डिग्री बढ़ाने के लिए इतना लगा, बराबर है। अभी मैं बोलता हूँ अगर वही 100 kg का होता तो उसका एक डिग्री बढ़ाने के लिए इतना ही लगेगा क्या, नहीं, ज़्यादा लगेगा, समझ में आया। सो वो ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगर मास चेंज होगा, क्या चेंज होगा, मास चेंज होगा तो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, मतलब एक डिग्री बढ़ने के लिए और ज़्यादा हीट एनर्जी लगेगा उसको, समझा, ठीक है, अरे इंटेलिजेंट हो मुझे पता है। नाउ नेक्स्ट कमिंग ऑन दिस पार्ट विच इज हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज़ हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल, तो सबसे पहले हमको दिया है ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है बलता सा चीज़, ठीक है, ये जो एकदम मुझे ड्रॉ करने तो आता नहीं उतने अच्छे से, तो जो भी मैंने ये ड्रॉ किया है ये एक बॉक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं हीट रेजिस्टेंट बॉक्स। इसके कहने का मतलब क्या है, अंदर वाली हीट बाहर नहीं आ सकती और बाहर वाली अंदर नहीं जा सकती है, ठीक है। ये मैं बोलता हूँ ये हॉट ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज़ आवर कोल्ड ऑब्जेक्ट, बराबर। सो ये हॉट ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, यू ऑल नो दिस, राइट। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो भी हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या जो भी हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं ये एनर्जी क्या करेंगे, हीट एनर्जी एमिट करेंगे, हीट एनर्जी किसी को देना पसंद करते हैं, समझा। तो जब ये हीट एनर्जी किसी को देंगे तो पूरे एनवायरनमेंट में आजू बाजू में कोई ना कोई तो होगा ना इस हीट एनर्जी को लेने के लिए, सो दिस इज़ द कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये जितना हीट एनर्जी ये हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एमिट करेगा, उतना ये कौन, कोल्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, समझ में आया। सो एज सिंपल एज दैट, कोई भी टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, समझा, बराबर, क्या समझ गया। जितना इसने हीट एनर्जी एमिट किया उतना इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, एंड दैट इज़ नथिंग बट हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल। इट्स लाइक अ जोक, राइट, सर ऐसे लगा एकदम डायग्राम एकदम बना लिया, लगेगा एकदम भारी प्रिंसिपल रहेगा, कुछ नहीं है, ये एकदम सिंपल है, क्या है, ऐसे लिख सकते हो हीट ऑफ एमिशन, जैसे बुक में लिखा है हीट ऑफ एमिशन इज इक्वल्स टू हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट, समझ में आया। एंड दिस इज नथिंग बट लॉ या फिर प्रिंसिपल कौन सा, हीट एक्सचेंज का, ठीक है। नाउ इतना सब तो चीज़ें समझ लिया,
नाउ अभी बोलोगे सर ये जो स्पेसिफिक हीट है इसका कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, तो चलो ठीक है, यही आयरन को मैं पकड़ा, यही आयरन को मैं पकड़ा, दिस इज़ आयरन, बराबर। मैं पूछता हूँ भाई साहब तुम्हारे पास क्या है, तो इसने बोला सर मेरे पास मास है। मैं पूछा आपके पास क्या है, तो इसने बोला मेरा स्पेसिफिक हीट है, जिसको आप सी आई बोल सकते हो, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन बोल सकते हो। तो मैंने बोला चल भाई ठीक है। अभी मैंने बोला कि स्टार्टिंग में इसका जो टेम्परेचर था दैट वॉज 20 डिग्री सेल्सियस, कितना था 20 डिग्री सेल्सियस। मैं जब इसको हीट करने लगा, हीट करने लगा, तो इसका एंड में जो टेम्परेचर मिला दैट वॉज 120 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने पूछा भाई और बता, स्टार्टिंग में हीट किया और बाद में जब तुमको बाहर निकाला हीट करने के, तो बता उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ और क्या है। तो बोलेगा सर मेरे पास टेम्परेचर डिफरेंस है। क्या बोलेगा? टेम्परेचर डिफरेंस है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो मैं बोलूँगा चल अब बता दे तूने कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, आयरन से पूछूँगा, राइट। तो बोलेगा सर एक काम करो, मेरा जो मास है, ठीक है, मेरा जो भी मास है और जो भी मेरा स्पेसिफिक हीट है और जितना मेरे में डिफरेंस आया है, तीनों को धड़ाम से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा मैंने कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया। देखा कितना सिंपल है, अरे एकदम सिंपल लगा ना। क्या किया मैंने, मैंने आयरन से ही पूछ लिया कि भाई मुझे पता करना था कि इसने कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया भाई। तो मैंने आयरन से पूछा चल बता तेरे पास क्या क्या है। अब वो तो बताएगा नहीं, मेरे पास दो हाथ है, दो कान है, दो पैर है, ये तो नहीं बताएगा। उसने क्या बताया, सर मेरे पास मास है, ठीक है, क्योंकि इसको साइंस आता था, बराबर। तो इसने बोला मेरे पास मास है सर, और मेरे पास अलग कैपेसिटी है हीट एब्जॉर्ब करने की, और मेरे में टेम्परेचर डिफरेंस भी है जैसे कि आपको पता है, सही है। और बाद में क्या बोला कि सर मास को मल्टीप्लाई कर दो, मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट, राइट, स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग, या फिर ऐसे लिख सकते हो टेम्परेचर डिफरेंस को, टेम्परेचर डिफरेंस। तो मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट को सी से, और चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। तो इससे हमको पता चल गया कि, इससे हमको पता चल जाएगा कि कितना हीट एनर्जी आयरन ने एब्जॉर्ब किया है। दिस इज़ द फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है जिससे कि हमको ये पता चल जाएगा कि ये आयरन भाई साहब ने कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, राइट है, एकदम सिंपल ना। ये तो फार्मूला भी तो बता दिया यार मैं, फार्मूला कैसे बनाना है, अब क्या क्या बताऊँ, ये भी बताऊँ, पेपर कैसे लिखना है, ये तो आप लोग खुद पता कर लोगे, ठीक है। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रीड आउट ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लो, और इसका एप्लीकेशन मैं बता दिया आपको, एप्लीकेशन मतलब यूज़ कैसे होता है, ठीक है। तो दिखा सी, दिखा तो सी इज़ नथिंग बट स्पेसिफिक हीट, समझ में आया। तो देखो स्पेसिफिक हीट यूज़ हुआ है, सही है, ठीक है। अच्छा ये डेल्टा टी है, इसको हम लोग डेल्टा टी बोलते हैं, डेल्टा टी इज़ नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर डिफरेंस, समझ में आया। जैसे यहाँ पर 20 डिग्री था और स्टार्टिंग में, और एंड में कितना हो गया 120 डिग्री, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 120 में से 20 को माइनस कर दोगे विच इज़ 100 डिग्रीज, तो 100 डिग्रीज का डिफरेंस है, समझ में आया। सो डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी, डिफरेंस इन टेम्परेचर को, बराबर है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस मॉड्यूल, आपको क्या करना है आपको पता है, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर नोट्स। अगर कुछ नहीं समझा, अगेन यू कैन ड्रॉप ऑल योर क्वेरीज एंड ऑल, जो भी है यू कैन ड्रॉप इट इन द कॉमेंट सेक्शन। आई होप कि आप लोग का ये जो थियरी का जो कंसेप्ट है, जो भी इस बुक में दिया गया है, मैंने वो पूरा अच्छे तरीके से क्लियर किया है, ठीक है। और अगर ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, कुछ चीज़ में डाउट है, यू कैन डायरेक्टली कमेंट, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू सो मच एंड मेक अ नोट ऑफ इट।